What's up guys, welcome back to Disha Foyle channel. Let's continue Gab the series season 2 best of novel. Okay, so chapter 23 के part 2 में हमने देखा था सैम को बस मौका चाहिए थे मॉन को मनाने के लिए. वो हर एक बात के लास्ट में बस एक ही बात किए जा रहे थे कि मॉन तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा. बट मॉन भी बार बार उन्हें इग्नोर करते हैं. सैम उसे अपने ऑफिस बुलाकर उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है जैसे कि वो पहले करती थी. बट मॉन जितना भी उन्हें लव करे वो बार बार उस चीज़ को याद करती है कि खुद सैम ने आफ्टरऑल उसे घर से निकाल दिया है. बट खुद सैम भी बहुत ज़िद्दी पर्सन है. वो कैसे भी हाल पे मॉन को नहीं छोड़ेगी. वो मॉन को स्टिकर पर स्टिकर बस भेजे ही जा रहे थे. बस इस टाइम पे खुद सैम की सारे स्टिकर्स बहुत क्यूट थे. मॉन को बहुत पसंद आती है एंड वो बस कैंडल्स की तरह पिघल जाती है. दोनों के बीच छोटी छोटी क्यूट फाइट हो रही थी. सैम उसे कॉल करती है एंड कहती है कि कल टी की वेडिंग पर वो उसके साथ जाए एंड वेडिंग ख़त्म होने के बाद वो खुद सैम के घर वापस आए. मॉन कहते हैं ओके अब उस दिन के लिए वेट करो और चलते हैं आगे चैप्टर 24 की ओर. ओके सो आज फाइनली टी और शिव की वेडिंग इवेंट है. तो सब लोग आज इस दिन के लिए बहुत वेट कर रहे थे. मॉन को आज ड्यूटी पड़ते हैं यूकी की ब्राइडमेड बनने की. टी और यूकी की वेडिंग थीम है रेड एंड वाइट. टी की सारे फ्रेंड्स वाइट पहनेंगी और यूकी की सारी फ्रेंड्स रेड पहनेंगी. तो ऑफकोर्स मॉन यूकी की साइड है तो इसलिए वो रेड ड्रेस पहनती है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी. और उधर खुद सैम जो कि सुबह 3 बजे से मॉन के लिए वेट कर रहे थे. सो वो दोनों वेडिंग के लिए एक होटल पर अपनी हेयर स्टाइल और अपनी मेकअप करती है. आज खुद सैम आई है एकदम रेड ड्रेस पर. उनकी शॉर्ट हेयर अभी थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है और वो अभी नेक पर आई है. मॉन भी सेम रेड कलर की ड्रेस पहनकर उस हाउस पे उनके सामने उन्हें बस देख रही थी. खुद सैम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी. मॉन उनके एलिगेंस पर एकदम एडमायर थे. बट वो नहीं चाहती थी कि वो इस चीज़ को शो करे. नो मैटर खुद सैम ने कैसे ड्रेस पहनी है वो ऑलवेज मॉन की आंखों से बहुत ब्यूटीफुल है. मॉन देखती है खुद सैम हाउस की डोर पर अपने हाथ को ग्रैब करके उसकी ओर बैक करके खड़ी थी. मॉन उसके पास जाकर कहती है क्या आप बहुत टाइम से मेरे लिए वेट कर रहे हो. खुद सैम मॉन की वॉइस सुनकर पीछे टर्न करती है एंड उसकी ओर देखती है. वो उसे देखकर एकदम साइलेंट हो जाती है. कोई बात नहीं कर रही थी. उनकी आंखों में ही लग रही थी कि वो मॉन से बहुत इम्प्रेस्ड है. सैम कुछ सेकंड बाद कहती है नहीं तुम ठीक टाइम पे आए हो. मॉन थैंक यू कहती है. मॉन उन्हें कहती है खुद सैम आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो. तो खुद सैम भी कहती है तुम भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो. मॉन अगेन थैंक यू कहती है. सैम कुछ सेकंड बाद अगेन कहती है ब्यूटीफुल अगेन कहो इसे. मॉन उसके पास जाकर कहती है आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो. सैम कहती है मैं ब्यूटीफुल लग रही हो तो चलो मेरे साथ कार में. मॉन सोचती है दैट्स व्हाट ही वांट. खुद सैम वो चाहती है वो अपनी कॉम्प्लीमेंट वापस चाहती है. अगले सीन में दोनों चुपचाप कार में जाती है. खुद सैम अपनी कार को स्टार्ट करती है. एक्सपेंसिव इंजन्स की साउंड बहुत लाउड थी. स्टिल वो दोनों कोई बात नहीं कर रही थी कॉज वो दोनों अब वैसे रिलेशनशिप पर तो बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे बहुत सारी बातें करना चाहिए. कुछ सेकंड बाद उस साइलेंस को ब्रेक करके खुद सैम फर्स्ट कहती है मेरे साथ बात करो अभी.
मन कहती है हाँ। सैम कहती है इतने चुपचाप क्यों हो। सैम वैसे ही थे जैसा उसने एक्सपेक्ट की थी। मौन भी इस अच्छे से एटमॉस्फेयर को ख़राब नहीं करना चाहती थी, बट वो समझ नहीं पा रही थी कि सैम के साथ आखिर वो क्या बात करे। मौन टोटली रियलाइज़ करती है खुद सैम की हैबिट्स, उनके बिहेवियर्स एकदम 5 साल पहले की वो वाली फीलिंग्स आ रही है। ये सब कुछ बस इसलिए हो रही है कि मौन सैम की लाइफ पर आई है और उन्हें बस कंफ्यूज करने की ट्राई कर रही है। मौन सोचती है उनके साथ घर जाना वो श्योर नहीं थी। वो अपने लिप को प्रेस करती है और इस चीज़ को समझने की कोशिश करती है एंड खुद सैम के बारे में सोचती है कि क्या वो उसे लव करती है। मौन सैम की ओर देखते हुए कहती है आप टायर्ड नहीं हो जाते हो मुझे ऐसे फॉलो करते हुए। सैम मौन की ओर देखते हुए बस एक गहरी सांस लेती है। सैम कहती है मैं टायर्ड क्यों होंगी, यू आर माई गर्लफ्रेंड, दैट्स माई जॉब। मौन कहती है सैम दैट्स नॉट योर जॉब, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, ये बस एक स्टेटस है। हम दोनों बस एक दूसरे को लव और ट्रस्ट दे सकते हैं, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप खुद को इतनी बैडली पुश मत करो। सैम कहती है नो मैं करूँगी। मौन कहती है तो आप ये बोल रहे हो जैसे कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ तो ये आपके लिए एक जॉब है। सैम कहती है यस ऐसा ही है, बट दैट्स नॉट ऑल, मैं ये अपने दिल से करना चाहती हूँ। सैम की ये आंसर मौन के फेस पर स्माइल लाने के लिए इनफ थी। मौन रियलाइज़ करती है सैम ये बात सच में अपने दिल से कहती है। सैम पहले से थोड़ी ब्रेव हो रही है, चलो एटलीस्ट कुछ तो प्रोग्रेस हो रही है। कुछ सेकंड बाद सैम कहती है ये सेम सेक्स मैरिज तुम्हें कुछ स्ट्रेंज नहीं लगती है। मौन कहती है ऑफ कोर्स नॉट, व्हाई इट इज़ वियर्ड, आफ्टर ऑल लव इज़ लव। वो लोग कोई भी नॉर्मल कपल्स की तरह बस अपने राइट्स चाहती है। सैम कहती है ये वेडिंग करना इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। मौन कहती है कॉज ये उन दोनों के लिए एक प्रॉमिस है, ये एक ऐसा प्रॉमिस है जहाँ पे आपकी पार्टनर आपको ट्रूली लव करेगी, आपकी केयर करेगी और आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल टी यूकी से बहुत लव करती है और इसीलिए वो उससे शादी करना चाहती है, और टी रियली यूकी के साथ सेटल होना चाहती है, और यही सेम चीज़ हम दोनों के साथ पास्ट में हुई थी, इसीलिए वो अपनी वेडिंग को बहुत यादगार बनाना चाहती है। सैम कहती है ओ वाओ ये तो बहुत मीनिंगफुल बातें हैं, क्या हम दोनों ने पहले डेट की थी। मौन क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मौन एकदम डायरेक्टली बोल देती है नहीं। सैम कहती है तुमने ना अभी अभी कहा कि हम दोनों पहले एक एग्जाम्पल थे। मौन कहती है आपने मुझे बहुत पहले प्रपोज़ किया था, बट ऑलवेज कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है, लाइक अब हमारे साथ जो कुछ भी हो रही है। सैम कहती है मौन क्या तुम सच में मुझे लव करते हो, मुझसे शादी ना करने की वजह से बाद में तुम रिग्रेट नहीं करोगे। मौन कहती है नो मैं रिग्रेट नहीं करूँगी, कॉज राइट नाउ मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। सैम कहती है दैट्स मीन तुम ना ही मुझे लव करते हो और ना ही मेरी रिस्पेक्ट, और इसी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। ये बोलते हुए सैम की वॉइस धीरे धीरे शांत हो रही थी। मौन सैम की ओर देखते हुए एक गहरी सांस लेती है, कॉज खुद सैम राइट नाउ इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पाई। मौन कहती है सैम मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जब से मैं एलिमेंट्री स्कूल पे थी, देन कॉलेज, देन अभी भी। सैम कहती है तो व्हाई तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। मौन कहती है खुद सैम ये बात अब खुद से पूछो, क्यों हम लोग
अभी शादी नहीं कर सकते। सैम कहती है, मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रही है। मॉन कहती है, ओके हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, राइट नाउ मुझे इस टॉपिक को लेकर कोई बात नहीं करनी है, नहीं तो ये चीज़ आपके ऊपर बहुत प्रेशर बन जाएगी। तो ऐसे ही वो लोग ड्राइव करते हुए एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। नाउ फाइनली वो लोग होटल पहुँचती है सुबह 4 बजे। टी और योगी दोनों ही रेडी हो रही थी, उनके साथ उनके अपने अपने मेकअप आर्टिस्ट थी। मॉन एंड सैम दोनों ही एक अलग अलग रूम पर जाती है, कॉज सैम टी की तरफ से थी और मॉन यूकी की तरफ से। तो इधर यूकी की मेकअप आर्टिस्ट जब उसके मेकअप कर रही थी, सडनली बेडरूम की डोर ओपन होती है। डोर पे थी कैट, वो आकर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए मॉन की ओर देख के स्माइल करती है। मॉन कहती है, कैट व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है। कैट कहती है, सैम अभी भी मुझे डजन्स ऑफ स्टिकर्स भेज रही है। तो मैंने जब सैम से पूछा कि ये हो क्या रहा है, तुम मुझे ऐसे स्टिकर क्यों भेज रहे हो, तो सैम तुम्हारी पास्ट के बारे में कुछ बोल रही थी और उसे देखकर ही लग रही थी कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। मॉन बहुत परेशान होकर कहती है, खुन सैम उन्होंने क्या कहा। कैट कहती है, सैम ने कहा कि टी और यूकी की तरह वो दोनों भी शादी क्यों नहीं कर रही है। सो मैंने उसे सब कुछ कह दिया, एकदम बिगिनिंग से लेकर एंड तक, कि तुमने एग्री किया था कि सैम के साथ शादी करोगे बट उसके ऑपरेशन के पहले। मॉन कहती है, कैट आप खुद सैम को वो ओल्ड वर्जन में नहीं पाओगे, मैं बस उन्हें लेकर बहुत वरीड हूँ, इसलिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, मैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकती। कैट कहती है, नो ये अच्छी बात है, तुम उसे प्रेशराइज करो, तुम किस चीज़ के लिए डर रहे हो। मॉन कहती है, बट व्हाट अबाउट खुद सैम, वो कहाँ है। कैट कहती है, सैम तो वहाँ पर चुपचाप बैठी है, लाइक एक 3 साल की बच्चा अपने फिंगर्स को होल्ड करके बैठी हुई है। कैट कहती है, यस मॉन तुम राइट हो, मैं भूल गई इसके बारे में। मॉन कहती है, हाँ वही तो, इसके लिए मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। कैट कहती है, तुम जस्ट बोल दो मॉन, क्या पता शायद इसकी वजह से ही कन सैम की मेमोरीज वापस आ जाए। तुम लोग और कितने दिन तक वेट करोगे उसकी मेमोरीज वापस आने में, 8 साल 10 साल, जब तक ओल्ड नहीं हो जाते और मर नहीं जाते तब तक। तभी पीछे से जिम आकर कहती है, क्यों इतने साल तक वेट कर रहे हो। जिम जो कि उस रूम पे आकर उन दोनों के सामने अपने हाथ को ग्रैब करते हुए ये बात कहते हैं, जस्ट 2 मंथ्स, फिर अगर उसकी मेमोरीज वापस नहीं आती है देन इट्स ओवर। कैट कहती है, जिम तुम ऑलवेज किसी के बारे में ऐसा क्यों कहते हो, और तुम हमेशा लोगों को रुलाना क्यों चाहते हो, बट प्लीज़ आज नहीं, आज का डे बहुत स्पेशल है, सो क्या तुम प्लीज़ चुप रहोगे। कैट एक्चुअल में जिम के ऊपर चिल्ला रही थी बट जिम को कुछ फील नहीं होती है। जिम कहती है, मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ वो सब कुछ सच है, लव हैज़ अ ड्यूरेशन, ये मैटर नहीं करती है कि तुम उन्हें कितनी ज़्यादा लव करते हो, तुम ऑलवेज उसके लिए वेट नहीं कर सकते, फॉरएवर के लिए कुछ भी नहीं होता है, ये सब मौन की तरह इंसानों के साथ ही होता है, बस 2 मंथ्स, तो अगर उसके बाद उसे कुछ याद नहीं आती है और वो तुम्हें लव नहीं करती है तो इट्स बेटर कि तुम उसे छोड़ दो, लाइफ इज़ अ बोरिंग। कैट कहता है, जिम ये सब बातें मत करो प्लीज़, मॉन और सैम की लव तुम्हारी लाइफ की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बस टेम्परेरी एक मेमोरी लॉस है और कुछ भी नहीं है। मॉन बहुत सैडली कहती है, बट उन्हें देखकर तो यही लग रही है कि उनकी लव भी फॉरएवर के लिए जा चुकी है। कैट कहती है, फॉरएवर नो ये सच नहीं है। तभी जिम लाउडली कहती है,
मॉन, आई थिंक तुम अभी इमिडिएटली लीव ले लो, यही अच्छी होगी। आज और अभी एक बॉयफ्रेंड बना लो। आज की ये इवेंट तुम्हें बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगी। मैं तुम्हारे लिए ढूंढ रही हूँ, हाँ, डोंट वरी। तभी कैट कहती है, जिम, क्या तुम भूल गए तुम्हारे हस्बैंड है? जिम कहती है, नो, मुझे कुछ भी याद नहीं है, सैम की तरह मेरी भी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। मैं अपने बच्चों से बोर हो चुका हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बोर हो चुका हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसी बात अगेन मत पूछना। ये कहते ही जिम अपनी हेड को शेक करती है और टी के मेकअप रूम में जाती है। तो पी कैट भी अपनी हेड को शेक करती है और जिम को फॉलो करते हुए उसके साथ जाती है। तो इवेंट पर सब कुछ ठीक ही चलती है। नाओ योकी और मॉन ने भी अपने मेकअप कंप्लीट कर चुके हैं। करंट फेशियल एंड हेयर मेकअप हैं। हेयर मेकअप फैंस, ये हेयर मेकअप क्या है ज़रा बताना कमेंट पर। ओके, सो ये सब एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने कर दिया है। योकी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, उसने एक क्रीम कलर की वेडिंग ड्रेस पहनी है। उसकी ड्रेसअप, उसके मेकअप सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल कि मॉन ने कभी नहीं देखा था। उस इवेंट पे मौजूद सारे लोग बहुत सरप्राइज्ड होकर बस योकी की ओर ही देख रहे थे। मे बी बस ये उसकी नाइस ड्रेसअप और मेकअप के लिए ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बट उसे पता है कि योकी सच में बहुत ब्यूटीफुल है। मॉन उसकी ओर देखते हुए उसके हाथ को शेक करती है। ये बहुत एक्साइटिंग है। योकी बहुत नर्वस भी लग रही थी और बहुत एक्साइटेड भी। मॉन उसे थोड़े नर्वस देखकर कहती है, योकी तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? योकी कहती है, मॉन ये तो सब जानते हैं ना कि मैं अपने वेडिंग पर बहुत हैप्पी हूँ, बट यही वो टाइम है जब मैं बहुत वियर्ड फील कर रही हूँ। योकी मॉन के हाथ को टाइटली होल्ड कर लेती है। वो बहुत वरीड दिख रही थी। मॉन कहती है, तुम किस चीज़ को लेकर इतनी वरीड हो रहे हो? योकी कहती है, मुझे नहीं पता मैं कैसे कहूँ। मॉन कहती है, क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग? योकी बहुत वरीड होकर कहती है, यही कुछ लास्ट टाइम में मैंने फील किया कि टी बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, वो समथिंग बहुत चेंज हो चुकी है। मॉन कहती है, तुम ना योकी कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो सकता है टी अपनी काम को लेकर बहुत बिजी हो। तुम्हें पता है ना वेडिंग की बहुत काम होती है और इसीलिए वो बहुत वरिड दिख रही थी। ऑल्सो टी भी बहुत नर्वस फील कर रही है, जस्ट लाइक यू, तुम जैसा फील कर रहे हो। योकी कहती है, हाँ बट वो अपने वेडिंग को लेकर उतनी एक्साइटेड नहीं है जितना कि मैं हूँ, और वो इस वेडिंग को लेकर उतनी श्योर नहीं है। मॉन कहती है, अगर वो श्योर नहीं है तो ये वेडिंग कभी नहीं होती। पहले तो तुम्हें अपने फेस से इतनी वरिड लुक को हटानी होगी योकी, हैप्पी रहो ताकि तुम प्रिटी दिखो। योकी कहती है, क्या मेकअप ये हेल्प कर पाएगी? क्या मेकअप मेरी परेशानी को दूर कर पाएगी? मॉन कहती है, ऑफ कोर्स होगी, बट अगर तुम अपनी आईब्रोज को ऐसे रखोगे तो तुम प्रिटी नहीं लगोगे। कीप स्माइलिंग योकी, इतनी वरिड होने की कुछ बात है ही नहीं। तुम्हें पता है ना मैं ऑलवेज तुम्हारे साइड हूँ, तुम जो भी फैसला लोगे मैं उस पर तुम्हारे साथ दूंगी। योकी कहती है, थैंक यू मॉन। तो अगले सीन में फाइनली होटल की एंट्री गेट ओपन हो जाती है। योकी और टी सेकेंड फ्लोर की रेलिंग पर खुद को लेन करके अपनी हेड को नीचे करती है। मॉन योकी के फेस पर थोड़ी थोड़ी स्माइल देखती है। मे भी हो सकता है वो थोड़ी एक्साइटेड हो गया है कि आगे क्या होने वाली है। तभी उस टाइम पे टी की एंट्री होती है, जो कि एकदम वाइट कोट पे थी। टी ऑलवेज ही बहुत ही एलिगेंट और मस्कुलिन लुक देती है। टी एक सिल्वर डोर से एंट्री करती है। अगले सीन में टी और उसकी बाकी फ्रेंड्स यानी कि सैम, जिम और कैट सब लोग सिंगिंग करते हुए डांसिंग करती है।
खुन सैम को उन लोगों ने फोर्स किया था डांस करने के लिए। मॉन सैम के ऊपर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी, कॉज सैम रेड ड्रेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अगर मॉन की आंखों से देखा जाए तो उस इवेंट पर बस खुन सैम ही है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सैम नोटिस करती है कोई आंखें उन्हें देख रहे थे। सैम अपने दोनों हाथ को ऊपर करती है और मॉन की ओर देखती है। सैम की आंखें ऑलवेज मॉन के दिल को एकदम पिघल देती है। अगले सीन में टी और यूकी की वेडिंग टाइम आ चुकी थी। ब्राइड को एक दूसरे के फिंगर पर रिंग पहनाने की टाइम आ जाती है और ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब कपल्स के लिए ये मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट सडनली टी कहती है, बट एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं थोड़ी फर्स्ट बाथरूम जा सकती हूँ? टी जो कि बहुत नर्वस होकर यूकी से बात कर रही थी, तो टी की ब्राइड यानी कि यूकी नोट करती है उन्हें जाने के लिए। ऑल राइट गाइस, सो देयर इज गैप द सीरीज सीजन 2 चैप्टर 24। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।